गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना पिछले वाला चैप्टर। सो हम पढ़ेंगे टाइम इन आवर्स, ठीक है, टाइम इन आवर्स। तो फुल आवर ओ और ओ क्लॉक टाइम, ये तो हम बोलेंगे 4 बज रहे हैं इस तरह से, या फिर ऐसे बोलेंगे 4 o'clock, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, फुल आवर्स, ठीक है, फुल आवर्स और ओ क्लॉक टाइम। तो इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हुआ हमारा टाइम इन आवर्स, और भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा, हमारी आर वाली सुई 4 पे है, हमारी मिनट वाली सुई 12 पे है, मतलब कितने बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 4 o'clock। ऐसे ही सेकंड में आर वाली सुई हमारी 2 पर है और मिनट वाली सुई 12 पर है, मतलब 2 o'clock, या फिर ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, या फिर तो लिखेंगे 2 o'clock, या फिर, ठीक है। ऐसे ही थर्ड वाली क्लॉक में आर वाली सुई 8 पर है और मिनट वाली सुई 12 पर, मतलब 8 o'clock। सेकेंड देखते हैं हाफ आर और हाफ पास्ट टाइम। हाफ आर क्या होता है, जो हम बोलते हैं 1:30 बजा है, या फिर 4:30 हो रहे हैं, 4:30, 5:30, 6:30, तो इसको बोलते हैं हम हाफ आर और हाफ पास्ट टाइम। व्हेन द टाइम इज़ गिवन इन हाफ आवर्स द मिनट एंड एट 6, जब भी हाफ आर हो रहा होगा, ठीक है, जब भी हाफ आर हो रहा है कभी, तो जो हमारी क्लॉक में, हमारी क्लॉक ऐसे होती है, ठीक है, रफली बना रही हूँ मैं, जब भी हाफ आर होगा तो हमारी जो मिनट हैंड होगी, मतलब बड़ी वाली सुई, वो हमेशा 6 पर होगी, हमेशा वो 6 पर होगी, ठीक है। तो मतलब हाफ आर हो रहा है, तो ये देखो हमारी आर एंड 1 पर है, मिनट हैंड हमारी 6 पर है, मतलब हमारा 1:30 हो रहा है, ठीक है, 1:30 हो रहा है। ऐसे ही मिनट आर हैंड हमारी 7 पर है अगली क्लॉक में, और 30 पर है, तो मतलब 7:30 बज रहा है, 3:30 बज रहा है। ऐसे ही आर हैंड हमारी 11 पर है और मिनट हैंड हमारी 6 पर है, मतलब 11:30 बज रहा है। अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वार्टर आवर्स, ठीक है, क्वार्टर आवर्स अब हम देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्वार्टर आवर्स देखते हैं अब। तो ये हमारे क्वार्टर आवर्स, क्वार्टर आवर्स में जब हम बोलते हैं ना कि 12:15, 1:15, ठीक है, तो ये है हमारे, तो हमारी क्वार्टर आवर में हमारी जो सुई होगी वो 3 पे होगी या फिर 9 पर होगी, मतलब क्वार्टर मतलब 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट। तो इसमें आर हैंड हमारी 12 पर है, मिनट हैंड 3 पर है, मतलब 12:15, और इसको ये भी बोल सकते हैं क्वार्टर पास्ट 12। इसमें हमारी आर हैंड 6 पर है, मतलब 6 और 7 के बीच में है, और मिनट हैंड 9 पर है, मतलब 6:45, 6:45 हो रहा है, ठीक है। ये आ गया हमारा 4:15, इसको और बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 4, 11:45, ठीक है, मतलब क्वार्टर टू ट्वेल्व क्यों बोला स्टूडेंट, क्वार्टर टू ट्वेल्व क्यों बोला, जबकि हो तो रहा है 11:45, मत क्वार्टर टू ट्वेल्व इसलिए बोलेंगे क्योंकि 12:15 बाकी हैं, ठीक है, इसलिए क्वार्टर टू ट्वेल्व बोलेंगे। इसको क्वार्टर टू 4 ही बोलेंगे क्योंकि 4:15 हो रहे हैं। इसको क्वार्टर टू 7 क्यों बोला, क्योंकि 7:15 बाकी हैं, ठीक है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड टाइम इन आवर्स। थैंक यू।